दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन केएफसी के लोगों में दिखने वाले इन अंकल का नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है। अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने मजदूरी करके गुजारी, लेकिन पूरे 65 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इनकी किस्मत ही बदल डाली? कामयाबी के इस सफर में इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया और आखिर में इनकी अपनी ही कंपनी केएफसी कॉरपोरेशन ने इन पर कोर्ट केस क्यों किया था? जेम टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविल के करीब एक छोटे से फार्म पर पैदा हुए। इनकी जिंदगी की सबसे पहली मुश्किल इनको सिर्फ 6 साल की एज में ही फेस करना पड़ी, और वो मुश्किल थी इनके वालिद का इंतकाल। क्योंकि ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, इसी वजह से हार्लैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने छोटे भाइयों को पालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही ये ब्रेड और वेजिटेबल्स पकाने के मास्टर हो चुके थे। लेकिन जब इनकी माँ की सैलरी से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया तो हार्लैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर जानवरों को चारा डालने की जॉब शुरू कर दी। हार्लैंड की ये अपनी जिंदगी की पहली जॉब थी और इतनी कम उम्र की वजह से उसका दिल काम पर नहीं लगता था, इसी वजह से उसको इस नौकरी से निकाल दिया गया। जब हार्लैंड 12 साल का हुआ तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और यहां से आगाज हुआ एक और मुश्किल का। हार्लैंड के स्टेप फादर को बच्चों का उनके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते रहते। आखिर वो दिन आ ही गया जब हार्लैंड को अपनी माँ से दूर कर दिया गया। वो अपने छोटे भाइयों के साथ एक रिश्तेदार के पास रहने लगा। हार्लैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर से फार्म पर नौकरी शुरू कर दी। सुबह 6 बजे वो फार्म पर जानवरों को चारा डालता, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाता और शाम के वक्त मकई छीलने की जॉब करता था। इस वक्त हार्लैंड सिर्फ 13 सालों का ही था जब वो इंतहाई टाइट शेड्यूल में इतने सारे काम अकेला करता था। लेकिन उसी दौरान हार्लैंड पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। जी हाँ, क्योंकि वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। एक इंटरव्यू में कर्नल हार्लैंड ने बताया था कि असल में उनको अलजेब्रा समझ नहीं आती थी। अगले 2 सालों तक हार्लैंड ने फार्म पर नौकरी जारी रखी, लेकिन क्योंकि अब खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल हो चुका था, इसी वजह से हार्लैंड ने यूएस आर्मी में जाना चाहा। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि आर्मी में जाने के लिए ज्यादा एज होना जरूरी थी। हार्लैंड ने कागजों में झूठी एज दिखाई और आर्मी में सोल्जर भर्ती हो गया। आखिरकार कई सालों के बाद उसको अभी सुकून मिला ही था कि एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। आर्मी में रहने के एक ही साल के बाद जब उनको इसकी असली एज का पता चला तो उसको आर्मी से भी निकाल दिया गया। आर्मी से निकलने के बाद हार्लैंड 17 सालों का था और आगे के पूरे 23 सालों तक हार्लैंड की जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। इसी पीरियड के दौरान इसकी शादी भी हुई और इसी पीरियड में कोई जॉब ऐसी नहीं थी जो हार्लैंड ने छोड़ी हो। कभी उसको स्ट्रीट कार कंडक्टर के रूप में देखा जाता तो कभी उसको रेल रोड फायरमैन की नौकरी करनी पड़ती, इंश्योरेंस सेल्समैन, लॉयर, स्टीम बोट ऑपरेटर और हत्ता के उसने टायर बेचने का काम भी किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देता तो कहीं से उसको निकाल दिया जाता था। आखिरकार एक दिन उसकी वाइफ जोसेफीन भी उसको अकेला छोड़ गई, क्योंकि अब वो भी हार्लैंड के कैरियर से तंग आ चुकी थी। 34 ईयर्स की एज यानी 1924 में हार्लैंड की मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। उसने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। अपने हालात की वजह से हार्लैंड ने ये ऑफर फौरन कबूल कर ली। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत डाउन हुआ करती थी, लेकिन फिर हार्लैंड ने वहां आने वाले कस्टमर्स की खूब आओ भगत शुरू कर दी। कस्टमर्स की इस एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते गैस स्टेशन की सेल 3 times बढ़ गई और एक बार फिर से हार्लैंड को अपनी जिंदगी में खुशियां दिखना शुरू हो गई। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर से किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। जी हाँ, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से हार्लैंड के गैस स्टेशन की सेल इतनी ज्यादा कम हो गई कि उसको गुजारा करना मुश्किल हो गया। केंटकी ऑयल कंपनी ने हार्लैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया और यूं एक बार फिर से हार्लैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। अब हार्लैंड 40 ईयर्स के हो चुके थे जब एक बार फिर से उनको जॉबलेस कर दिया गया था। 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखा तो उसको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। ये ऑफर मिलते ही हार्लैंड को एक बार फिर से डूबती हुई उम्मीदों को बचाने का मौका मिला।
इसी वजह से उन्होंने फौरन ये ऑफर कबूल कर ली। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हार्लैंड ने सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा कस्टमर केयर शुरू कर दी। क्योंकि ये स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसी वजह से वहां आने वाले मुसाफिरों को हार्लैंड प्राइवेट तौर पे मुख्तलिफ चीजें पकाकर खिलाता था। इस वक्त इसने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखी थी जिस पर 6 लोग बैठकर खा सकते थे। पहले तो कस्टमर्स उसकी बनी हुई हॉट कुकीज, कंट्री हैम और स्ट्रिंग बीन्स बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में उसके मेन्यू में फ्राइड चिकन भी ऐड हो गई। देखते ही देखते उसकी फ्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई कि अब उसने गैस स्टेशन के साथ ही एक पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें 142 लोगों के खाने की जगह मौजूद थी और इस रेस्टोरेंट को हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे का नाम दिया गया। जहां पहले कस्टमर सिर्फ वहां से गुजरते वक्त खाना खाते थे, वहीं अब दूर दूर से लोग सैंडर्स कैफे का रुख करने लगे। लेकिन इसी दौरान हार्लैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत वेट करना पड़ता था। इस मसले की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट का इमेज खराब हो रहा था, लेकिन इस मसले से निपटने के लिए हार्लैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई किया। हैरतअंगेज तौर पे ये ट्रिक काम कर गई और 30 मिनट में पकने वाली चिकन सिर्फ 8 मिनटों में ही तैयार हो जाती थी। हार्लैंड अपने रेस्टोरेंट से खासा खुश था और दिन ब दिन अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को इम्प्रूव करता रहा। लेकिन अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और एक बार फिर से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में निपट गया। इस क्राइसिस की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स का रश बहुत कम हो गया था और देखते ही देखते लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि अब हार्लैंड को गुजारा करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से 1942 में जब हार्लैंड 52 ईयर्स के थे, तब उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स कैफे को ताला लगा लिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो हार्लैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया, क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे थे। इसी वजह से हार्लैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के शहर जॉर्जटाउन के हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उनको कर्नल के एजाज से नवाजा और यही वो दिन था जिसके बाद हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था, उसके साथ बात नहीं बनी तो कर्नल हार्लैंड ने उसको पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते गए और कर्नल हार्लैंड की फ्राइड चिकन फेमस होती चली गई। एक दिन कर्नल हार्लैंड को एक रियल एस्टेट एजेंट की कॉल आई जिसने उनको रेस्टोरेंट बेचने की बहुत अच्छी ऑफर दी। वो एजेंट कर्नल हार्लैंड का रेस्टोरेंट $1,64,000 में खरीदना चाहता था। वो एजेंट कई मर्तबा यही ऑफर देता रहा, लेकिन कर्नल हार्लैंड किसी भी सूरत ना माने और यहीं एक और मुसीबत ने जन्म लिया। 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहां से बाईपास हो गई। अब कर्नल हार्लैंड के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक खत्म हो गई और ऐसे ही उनकी सेल्स भी 90% टूट गई। अब कर्नल हार्लैंड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट $1,64,000 की ऑफर दे रहा था, वो अब $80,000 में भी खरीदने को राजी नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे करके $75,000 में कर्नल हार्लैंड ने ये रेस्टोरेंट भी बेच दिया। इस वक्त कर्नल हार्लैंड की एज 65 थी और उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के अलावा कमाने का और कोई जरिया नहीं बचा था। जिंदगी में कई बार नाकामियां देखने के बाद 65 इयर्स की एज में कर्नल हार्लैंड को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लॉडिया के साथ मिलकर अपनी कार में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स विजिट करते, वहां उनको अपनी चिकन पकाकर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी चिकन पसंद आती तो वो हाथों हाथ उनसे राइट्स खरीद लेता था। हर एक चिकन पर कर्नल हार्लैंड को 4 सेंट्स दिए जाते थे। कर्नल हार्लैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कर्नल हार्लैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार उनको रातें भी अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती थी।
जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम का चर्चा होने लगा। 8 सालों के बाद जब कर्नल हार्लैंड 73 ईयर्स के हुए तो वो 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब चूंकि कर्नल हार्लैंड की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से 1964 में कर्नल हार्लैंड ने KFC कॉरपोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी, जो तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में ये तय पाया कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की तस्वीर ही रहेगी और कर्नल हार्लैंड ही KFC की तरफ से TV इंटरव्यूज पे जाएंगे, यानी KFC चलाएगा कोई और लेकिन उसका फेस कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ही रहेगा, जिसके लिए कर्नल हार्लैंड को KFC की तरफ से $6,250 की सैलरी पे रखा गया। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हार्लैंड से खरीदा था, बाद में उन्होंने रेसिपी को चेंज भी किया, जिस पर कर्नल हार्लैंड ने कंपनी को कोर्ट में सू कर दिया था। कर्नल हार्लैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं है, उस पर मेरी फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी मसले को लेकर कर्नल हार्लैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लॉडिया सैंडर्स के नाम से शेल्बीविल में एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा गया। लेकिन ये बात उनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉरपोरेशन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को कोर्ट में सू कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से उनको क्लॉडिया सैंडर्स कैफे बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लॉडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और ये दुनिया का वाहिद नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहाँ पर KFC की ऑथराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। 90 ईयर्स की एज में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की मुश्किल तरीन जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया। उम्मीद है ZEM TV का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक के सफर में आप लोगों के साथ का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।